हेलो गाइस, जिस तरह आपने ये मैच देखा, ओपनिंग मैच देखा अबू धाबी में, कि 162 रन का जो लक्ष्य दिया था मुंबई इंडियंस ने, उसको चेन्नई सुपर किंग ने बहुत आसानी से जो है प्राप्त कर लिया। मैं तारीफ करूंगा महेंद्र सिंह धोनी की, जिन्होंने एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया था टॉस जीत कर पहले गेंदबाजी करने का। उन्हें मालूम था कि ड्यू फैक्टर होगा, जहाँ पे देखा गया है, जो एक्सपीरियंस है, जिन्होंने वहाँ पे क्रिकेट खेली है और जो इतने दिनों से वहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको ये मालूम है कि विकेट वहाँ पे स्लो हैं, थोड़ा ड्यू फैक्टर रहेगा, तो बॉल जो है सेकंड इनिंग में बैट पे आएगा। इसका पूरा भरपूर फ़ायदा उठाया। जब सेकंड इनिंग में आप देख रहे होंगे कि जब बल्लेबाजी बैट्समैन कर रहे थे, खासतौर से रायडू और डुप्लेसिस, उनके बैट पे बॉल कितना आसानी से आ रहा था, उनको टाइमिंग करने में बहुत आसानी हो रही थी और बहुत अच्छे तरीके से जहाँ भी चाह रहे थे वो खेल रहे थे। तो एक बार फिर से धोनी की तारीफ करनी होगी कि जो टॉस जीत के बहुत अच्छा डिसीजन लिया था। 162 रन का लक्ष्य एक कहा जा सकता है कि एक अच्छा स्कोर है, लेकिन जहाँ तक CSK की बात की जाए, धोनी जैसे जो कप्तान हैं, उनको बैटिंग ऑर्डर में जरूर रहना की कमी जरूर खल रही है, लेकिन उन्होंने अपनी जो रणनीति थी इस तरह से बैटिंग ऑर्डर को रखा जिसमें कि सुरेश रैना की बिल्कुल कमी नहीं खली और 162 रन का लक्ष्य आसानी से प्राप्त कर लिया। अब बात करते हैं मुंबई इंडियंस की बल्लेबाजी की, जहां पे शुरुआत बहुत अच्छी हुई थी और रोहित शर्मा जो कि अच्छे टच में आ गए थे, अच्छा शॉट्स खेल रहे थे और शुरुआत उन्होंने चौके से करी थी, लेकिन एक बहुत सॉफ्ट डिसमिसल चावला की गेंद पे आउट हो गए। जैसा कि मैंने भी कहा था, आपने शुरुआती जब मैच शुरू होने से पहले प्रेडिक्ट किया था कि ये विकेट जो है थोड़ा सा स्लो विकेट होगा, इसमें जो है बॉलर्स जो तेज़ बॉल डालेंगे उनको थोड़ा सा आसानी होगी बैट्समैन को खेलने में, स्लो बॉल को थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो उसी अंदाज में अगर आप देखें तो स्लो बॉलर्स पे ही जो है विकेटें मिली हैं। साउथ अफ्रीका के जो बॉलर इंगडी हैं, उन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी करी, 3 विकेटें निकाली हैं और जिस तरह से देखा जाए कि टुकड़ों में बैटिंग अच्छी करी है मुंबई इंडियंस के बल्लेबाजों ने, और एक कॉन्सोलिडेटेड जो बैटिंग होती है, शीट एंकर का रोल जो भी बल्लेबाज सेट हो जाए उसको पूरा पूरा खेलना चाहिए, वैसा नहीं किया। जिस तरह की सौरभ तिवारी भी सेट थे, डिकॉक भी थे सेट थे, और कहीं ना कहीं आप रोहित शर्मा भी सेटल हो गए थे, लेकिन इनमें से कोई भी आखिरी तक नहीं खेला, इस वजह से जो है रन ज़्यादा नहीं बने। 162 रन बनने के बावजूद भी कहीं ना कहीं टीम फाइट कर रही थी, लेकिन एक अच्छी शुरुआत, एक अच्छी बल्लेबाजी देखने मिली राइडू और डुप्लेसिस के बीच में, और बहुत आसानी से लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया। उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी फील्डिंग में लैप्सेस हुए और मुझे उम्मीद है कि आगे के मैचेस में मुंबई इंडियंस जो गलती कर रही है, जैसे कुणाल पांड्या, थोड़ा सा मुझे ऐसा लगे कि थोड़ा सा जिनको और मेहनत करनी पड़ेगी आगे के मैचेस में, उनको बहुत आसानी से सभी बल्लेबाज खेल रहे थे और बैटिंग में भी उन्होंने कुछ खास नहीं किया। तो उम्मीद है कि आगे अच्छा करेंगे, और जितने भी इनके पोलार्ड और डिकॉक और फ्रंट लाइन के बैट्समैन हैं, उनमें से किसी एक प्लेयर को अंत तक खेलना पड़ेगा, क्योंकि 6 ओवर की पावर प्ले होती है, उसमें आप चौके छक्के जो भी हैं आप मारते हो, उसके बाद मिडिल ओवर्स में आपको सिंगल डबल बीच में चौके मारने हैं और विकेट को बचा के फिर अगर हमारे पास विकेटें रहती हैं तो हम एक बड़ा स्कोर खड़ा कर सकते हैं। तो ये मैच बहुत आसानी से CSK ने जीत लिया। शुरू में ज़रूर टफ टाइम था जब दोनों विकेटें ओपनर्स जल्दी निकल गए थे, लेकिन उसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने अच्छी बैटिंग करी और एक अच्छा तालमेल मिलाया और अपनी टीम को आसानी से जिता दिया। तो उम्मीद करते हैं कि आगे के मैचेस और रोमांचकारी होंगे, और ये पहला ऐसा टूर्नामेंट है जिसमें कि ग्राउंड पर कोई दर्शक नहीं है, फिर भी T20 की अपनी एक मर्यादा है और अपनी एक कहते हैं कि इसका एक अलग ही आनंद है जिसको TV पे लोग एंजॉय कर रहे हैं, और उम्मीद है कि आगे और ज़्यादा से ज़्यादा रन बनेंगे और चेज भी होंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, शब्बा खैर।